एक तरफ तो कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बैठक की और मतगणना को लेकर अपनी तैयारियों पर मंथन किया। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को इस बात की पूरी आशंका है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगी और कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने जिताऊ प्रत्याशियों के लिए कवच तैयार कर लिया है, उन्हें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में छुपाने की तैयारी है। वहीं बैठक में ये बताया गया कि 17 ऑब्जर्वर कांग्रेस ने तैयार किए हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य समेत 20 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि इस बैठक के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एक दूसरे से कटे कटे नजर आए, जहां रावत अपने समर्थकों के साथ गुफ्तगू में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर प्रीतम सिंह भी अपनी टीम के साथ थे। आपको बता दें, कांग्रेस भले ही हरीश रावत को फ्रंट फुट पर रख के चुनाव में उतरी हो, पर अब भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुप्पी बनी हुई है। ऐसे में दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तब इन दोनों नेताओं में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बात बन पाएगी या फिर नहीं, ये तो कल के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो।